हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदृश्य किचन। और आज हम बनाने वाले हैं बथुए का रायता। बथुए ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में आता है और यह बहुत ही गर्म और सेहतफुल होता है। तो अगर आप रायता सर्दियों में नहीं खाते हैं तो आप बथुए का रायता खा सकते हैं जो कि गर्म होता है। हमें बथुए के रायता बनाने से पहले सबसे पहले मैंने 200 ग्राम यहाँ बथुआ लिया है और बथुए को अच्छे से साफ कर लिया है और धो लिया है। और सिर्फ उसकी बथुए की लीफ ही हमें यहाँ लेनी है, इसके अलावा उसकी लकड़ी या हार्ड पार्ट कुछ भी नहीं रखना है। ध्यान रहे, जब भी आप बथुए को साफ करें उसे थोड़ा ज़्यादा पानी में वॉश करें क्योंकि बथुए में एक्स्ट्रा मिट्टी होती है। यहाँ मैंने कढ़ाई पहले ही गर्म करने रख दी है। गैस की फ्लेम लो या मीडियम रखें, उसे हाई ना रखें और इसमें बथुए को आप रख दें। हम यहाँ जब कढ़ाई में बथुआ रखेंगे तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे और ना ही पानी ऐड करेंगे। बस ध्यान रहे गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रख दी है और इसे हमें लो फ्लेम पर ही 5 से 10 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पकाना है। आप देखेंगे लो फ्लेम पर ही ये आराम से 5 से 10 मिनट में बगैर पानी के अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए, मेरे 5 से 10 मिनट जैसे ही पूरे होंगे मैं बथुए दिखाती हूँ मेरा बथुआ कैसा हो गया है। देखते हैं नीचे से लगा है या नहीं। ये देखिए, लो फ्लेम होने की वजह से ये नीचे से जरा भी नहीं लगा है और इसका एक्स्ट्रा पानी सारा उड़ गया है, क्योंकि बथुए में जो पानी था और वॉश किया था वो पानी, इसी से हमारा बथुआ अच्छे से पक गया है। ये लीजिए, बथुआ तो हमारा आराम से अच्छे से कुक हो चुका है। अब चलते हैं इसे पीसने की तरफ। आप चाहें तो अगर सिलबटना है तो आप उसे उस पर पीस सकते हैं अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मिक्सी के पॉट में इसे रख रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर से पानी ऐड करूँगी और इसे बारीक पीस लूँगी। सर्दी के मौसम में बथुआ खाना बहुत सेहतमंद होता है और यह गर्म होता है, तो आप जाड़ों में या सर्दी के मौसम में इसे ज़रूर बनाएं। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी कर दिया और लीजिए फ्रेंड्स, मेरा बारीक पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब बस मैं यहाँ देखिए ये कितना बारीक पीस चुका है। अब बस मैं यहाँ इसी स्टेज पर इसमें ऊपर से दही ऐड करूँगी। मेरा ये घर का फ्रेश दही है। यहाँ मैंने 1 कप के करीब दही ऐड कर दिया। ऊपर से जाएंगे मेरे कुछ मसाले, तो इसमें सबसे पहले जाने वाला है काली मिर्च पाउडर, काला नमक पाउडर, भुना हुआ जीरा जो मैंने यहाँ पहले ही तैयार कर रखा है, और भुने हुए जीरे के साथ जाएंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। वैसे आपने यहाँ काला नमक पहले ही ऐड कर रखा है तो सिंपल नमक थोड़ा सा कम ही है। बस इन सभी चीजों के साथ हम एक बार इसे फिर बारीक पीस लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही ग्राइंड करना है। और ये देखिए, एक बार चलाते ही ये कैसे बनके तैयार है हमारा रायता, है ना बिल्कुल ग्रीन कलरफुल। बस अब चलते हैं इसको एक अलग नेक्स्ट बाउल में हम इसे शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, बथुए का रायता पूरी तरीके से रेडी है। बस इसमें एक फाइनल तड़का और भी बाकी है। आप चाहें तो इस बथुए के रायते में ऊपर से बूंदी वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बथुए का रायता सिंपल ही बना रही हूँ। चलते हैं तड़के की तरफ। यहाँ मैंने एक छोटी तड़का पैन या मेरा चमचा है छोटा सा, इसको मैंने गर्म करने के लिए गैस पर लो फ्लेम पर रख दिया है। जैसे ही यह गर्म होगा बहुत थोड़ा सा यहाँ हम सरसों का तेल लेंगे। यहाँ हमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल नहीं लेना है, ध्यान रहे सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल ही हमें यहाँ लेना है।
हमें यहाँ सरसों को तेल को धुआं उठने तक गर्म करना है। जैसे ही इसमें थोड़ा थोड़ा धुआं उठना लगेगा, हमें इस चमचे को थोड़ा सा गैस से अलग कर लेना है और ऊपर से जाएगा हमारा थोड़ा सा जीरा और हींग। ये देखिए मेरे चमचे से धुआं उठने लगा है। बस हमारा यहाँ पे तड़का लगाने के लिए ऑयल रेडी है, तो ऊपर से जल्दी से हम डाल देते हैं इसमें जीरा और थोड़ी सी हींग और चलते हैं अपने रायते की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ मेरी वीडियो थोड़ी हिलती हुई लगेगी क्योंकि ये काम हमें बहुत फास्ट तरीके से करना है। और चलते हैं रायते की तरफ और उसमें लगाते हैं तड़का और ऊपर से एक एक्स्ट्रा प्लेट से ढक देते हैं और हमें 5 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। चलते हैं 5 मिनट के बाद, देखते हैं अपना तड़का। देखिए हमारा तड़का पूरी तरीके से परफेक्ट रेडी हो चुका है और इसमें एक अलग ही महक आ रही है हींग और भुने जीरे की। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तो ये बथुए वाला तड़के वाला रायता परफेक्ट रेडी है और पूरे घर में एक अलग ही तड़के की महक आ रही है। और फिर देरी किस बात की है, तैयार हो जाइए, आप भी बनाइए बथुए का ये तड़के वाला रायता। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।